जय हिंद। हमारे YouTube चैनल माता ज्वालामुखी विज्ञान संस्थान जो शिक्षा से जुड़ा चैनल है, उस पर आज हम लोग भौतिकी के मानक रूप के अनुसार पदार्थ के कणों की चर्चा करेंगे। आधुनिक भौतिकी के अनुसार हमारे पदार्थ के मौलिक कण कौन कौन है, तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि मौलिक कण कहते किसे हैं। कि भौतिकी में मूल कण उन कणों को कहते हैं जिनकी कोई उपसंरचना ज्ञात नहीं होती है, और यह कण किन कणों से मिलकर बना है इस बात की भी जानकारी नहीं रहती है। तो भौतिकी के अंतर्गत हम उन्हीं कणों को मूल कण कहते हैं। अब यदि बात करें आगे, तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना इन्हीं आधारभूत कण अर्थात मूल कणों से मिलकर बनी है। समस्त ब्रह्मांड यानी संपूर्ण संसार इन्हीं आधारभूत कणों से मिलकर बना है। अब यदि हम इनका विवरण पढ़ें, तो कण भौतिकी के मानक मॉडल के अनुसार पदार्थ के तीन मौलिक कण हैं, अर्थात परमाणु के तीन मौलिक कण हैं, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और गेज बोसॉन। लेकिन इससे पहले हम लोगों की जानकारी जो रहती है कि सामान्य तौर से हमें बताया जाता है कि परमाणु के मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। लेकिन आधुनिक भौतिकी के अनुसार पदार्थ के तीन कण हैं, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और गेज बोसॉन। अब हम देखते हैं कि ये ही कण मूल कण है, और ये कण किन किन रूपों में रहते हैं। तो अब हम देखें कि पदार्थ की तीन पीढ़ियां हैं, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और गेज बोसॉन। तो अब हम यहां देख रहे हैं स्क्रीन पर कि क्वार्क भी कितने प्रकार के होते हैं, छह प्रकार के। क्वार्क छह प्रकार के हैं, एक पहला अप क्वार्क, दूसरा चार्म क्वार्क, तीसरा टॉप क्वार्क, चौथा डाउन क्वार्क, पांचवा स्ट्रेंच क्वार्क और छठा बॉटम क्वार्क। ये सभी क्वार्क परमाणु के नाभिक में स्थित रहते हैं, और इन क्वार्क के मिलने से ही परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संरचना उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब है कि क्वार्क के परमाणु और परमाणु के अंदर प्रोटॉन के हमने मूल कण किनको कहा कि मूल कण वे कण है जिनकी कोई उपसंरचना नहीं होती है, लेकिन प्रोटॉन की उपसंरचना कौन है, क्वार्क है। इसलिए मूल कण के रूप में क्वार्क को माना जाता है भौतिकी के अनुसार। उसके बाद जो हमारी दूसरी संरचना है जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन भी छह प्रकार के होते हैं। दूसरा मौलिक कण इलेक्ट्रॉन है, और ये भी छह प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन, म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउ और टाउ न्यूट्रिनो, ये भी छह प्रकार के हैं। और इनमें से एक कण जिन्हें हम लोग जानते हैं कि ये परमाणु की कक्षा में घूर्णन करते रहते हैं। तो और उसके बाद जो हमारा तीसरा मौलिक कण है जिन्हें हम लोग गेज बोसॉन बोलते हैं, या अन्योन्य क्रिया या बलवाहक कण बोलते हैं, तो ये भी पांच प्रकार के होते हैं। इनका प्रकार भी क्या होता है, पांच प्रकार का होता है। पहला ग्लूऑन, दूसरा फोटोन, तीसरा जेड बोसॉन, चौथा डब्लू बोसॉन और पांचवा हिग्स बोसॉन, या जिसे आज के समय में गॉड पार्टिकल के भी नाम से जाना जाता है। इस हिग्स बोसॉन के उपस्थिति की जांच के लिए ऑस्ट्रेलिया के सर्न प्रयोगशाला में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के अंतर्गत एक विश्वव्यापी प्रयोग किया गया था। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि भौतिकी के अनुसार परमाणु के मूल कण
क्वार्क, लेप्टॉन और गेज बोसॉन्स हैं। क्वार्क 6 प्रकार के हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क। उसके बाद लेप्टॉन जो दूसरा मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन, म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाऊ, टाऊ न्यूट्रिनो, और तीसरा जो मौलिक कण है बोसोनिक कण, जो हमारे सत्येंद्रनाथ बोस, हमारे देश के वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस की सांख्यिकी को पालन करते हैं, वो बोसोनिक कण कहलाते हैं। तो उन बोसोनिक कण के भी 5 प्रकार अभी तक हमारी जानकारी में है। तो पहला ग्लुओन, दूसरा फोटोन, तीसरा जेड बोसोन, चौथा डब्लू बोसोन और पांचवा हिग्स बोसोन। तो इसी तरह हम अपने इस शिक्षा से जुड़े चैनल पर विज्ञान की रोचक जानकारियां प्रस्तुत करते रहेंगे। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।